बेटी व मक्कार महिलाओं युवतियों के खिलाफ चलाया जा रहा बेटा अभियान। ज्वाला शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने की पत्रकार वार्ता। संस्था के वाराणसी प्रभारी आकाश प्रजापति ने बताया कि बेटा बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस अभियान को 2019 से ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया। 3 माह में ही भारत देश के 12 राज्यों में अपनी जड़ें फैलाने के बाद अभियान के तहत निर्दोष युवाओं को न्याय दिलाने व कानून का दुरुपयोग करने वाली झूठी मक्कार महिलाओं और युवती के खिलाफ यह अभियान छेड़ा गया है। संगठन द्वारा अभी तक 1065 पूरे ऑल इंडिया सॉल्व किए गए हैं। संगठन की संयोजिका काजल जोदान ने बताया कि हम काजल जोदान हैं, ज्वाला शक्ति संगठन की संयोजिका हूं जो कि ग्वालियर से। काजल जी, क्या किस लिए प्रेस वार्ता की जा रही है? आज ये प्रेस वार्ता पुरुषों को, उन पुरुषों को जागरूक करने के लिए जिनको महिलाओं द्वारा झूठे केसों में फंसाया जाता है और वो कहीं ना कहीं इस कारण से आत्महत्या कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनको झूठा फंसाया गया है और इन बेइज्जती के कारण वो आत्महत्या करते हैं। तो इस तरह का अभियान जो चलाया जा रहा है, सबसे पहले उनके न्याय दिलवाने के साथ साथ उनको जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है कि आपके साथ यदि अन्याय हुआ है तो आपको घबराने की या इस तरह का आत्मघाती कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप न्याय के लिए लड़िए और अन्याय के खिलाफ युद्ध कीजिए, जिससे कि लोगों को भी इस बात से और उन महिलाओं को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कोई। आपका संगठन उन पुरुषों के लिए क्या मदद करेगा जो किसी कारण से महिलाओं द्वारा प्रताड़ित हैं, वो उसकी पत्नी हो या अन्य महिलाओं द्वारा प्रताड़ित हो? जैसे आजकल कोई भी किसी का आरोप लगा था, हमको छेड़ा, ऐसा आपका संगठन इस तरह सहयोग कैसे करती है, उनका मदद कैसे करती है? उस महिला के बारे में पूरी जानकारी निकालना, उस महिला ने अभी तक कितने केस किए हैं या फिर उन महिला का स्टिंग करने के बाद ये पता लगाना कि उस महिला के इसके कारण, इस केस के पीछे करने का कारण क्या था, कहीं धन उगाही तो नहीं थी? यदि धन उगाही थी या फिर बदले की भावना भी होती है, उन बदले की भावना, जैसे प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग के मामले में बलात्कार होता ही नहीं है, ये आप सब जानते हो। प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवती और एक युवक के बीच में दोनों बीच में शारीरिक संबंध होते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश युवक युवती से शादी नहीं कर पाता है, यदि किसी बात से उनका दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो महिला उसको फंसाने के उद्देश्य से 376 का दुरुपयोग करती है। तो उनकी महिलाओं के बारे में जानकारी, उसके एविडेंस कलेक्ट करना और उसको कानूनी रूप से न्याय दिलवाने का काम संगठन कर रहे हैं। अब तो कितने केस आपने सुना है? बेटा बचाओ अभियान के तहत ज्वाला शक्ति संगठन की पूरी टीम ने अभी तक पूरे भारत देश के 1065 केस को सॉल्व किया है, जिसमें मुख्यतः 376 और फौजियों के लिए ज्यादा। सबसे ज्यादा केस जो हो रहा है, एक तो रेप के नाम पर, दूसरे दहेज के नाम पर, सबसे ज्यादा इस कानून का दुरुपयोग इस समय ही सामने आ रहा है। इस कानून से दुरुपयोग से बचाने के लिए आप लोग क्या मदद करेंगे? आपको अभी मैंने इसी बात का जवाब दिया कि जिस तरीके से महिला के बारे में पूरी जानकारी निकालना, वकील ने उनके साथ कहाँ, एडवोकेट ने उन केसों को पेंडिंग रख रखा है या फिर उनके साथ किसी तरह की जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनको साझा करना, इस तरीके से कानूनी रूप से ये लड़ाई लड़ी जाती है और निर्दोष युवकों को ये न्याय दिलवाया जाता है। काजल जी, इस मामले में क्या आप सरकार को भी जगाने का काम कर रहे हैं? सरकार को जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह की मेरे द्वारा सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, हर जगह हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद में लोगों को जागरूक किया गया, सरकार को जागरूक करने के लिए हर पुलिस थाने में एक दूध की बोतल जो बच्चे पीते हैं, वो दूध की बोतल और दूध की थैली वितरण की गई थी, जिससे पुलिस वालों को ये समझाइश दी गई थी कि आपके पास यदि 18 वर्ष से ऊपर की कोई युवती या कोई महिला जो पहला फुसलाकर इस तरह का स्टेटमेंट लेकर आती है, तो सबसे पहले हमारे द्वारा उसको दूध की थैली वितरण की जाए, एक दूध की बोतल दी जाए जिससे कि वो पिए, क्योंकि हमारी नज़र में वो बच्ची है। और यदि कोई ऐसी महिला आती है जो ये कहती है कि मेरे साथ पहले भी हुआ था और अब भी हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है, तो उसके लिए भी हमारी संस्था ने मानसिक आरोपशाला में बात की हुई है, ऐसी महिलाओं को पहले वहाँ भेजा जाए, उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि ऐसी महिलाएं समाज के लिए, समाज उनके